हर माँ एक बहुत मुश्किल का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करती है, उन्हें हर खुशी देती है। एक माँ के आंचल में ढेरों खुशियां होती हैं जो वो सिर्फ अपने बच्चों को देने के बारे में सोचती है। आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ माँ की जिम्मेदारियां बदलती जाती हैं, और जहां अब हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वहां माँ कई रोल में आ गई है। माँ बेटी का एक अनोखा रिश्ता होता है जो वक्त के साथ साथ और भी खूबसूरत सफर में तब्दील हो जाता है। मदर्स डे के इस मौके पर हर जिंदगी की एक खास कैंपेन माँ एंड मी में आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो माँ और दो बेटियां हैं जो अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में हमसे कुछ बात करें। हम स्वागत करते हैं शर्वानी देवधर, सई देवधर और नक्षत्रा आनंद का। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल सेशन में। थैंक यू सो मच जी। तो सबसे पहले मैं शर्वानी जी और सई जी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि मदरहुड और करियर के बैलेंस को बिठाने में कई लोगों को बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, तो नई मदर्स के लिए आपके हिसाब से क्या रास्ता सही होगा और उन्हें क्या चीजें, क्या बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? औरत के लिए ऑफकोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं, फिर घर आके माँ के रोल स्लिपिंग करना, वाइफ के रोल में। बट वन थिंग विच आई लर्नड फ्रॉम माय मदर वाज वी शुड नॉट फील गिल्टी एंड वी शुड ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। ऑफकोर्स हर माँ ट्राई करती है कि अपने बच्चों को अपने घर को बेस्ट दे, पर कभी कभी शी इज ऑल्सो ह्यूमन एंड इनिशियली व्हेन आई गॉट मैरिड बहुत ताने वाले रहते हैं आता है, तो आई लर्न टू फील गिल्टी, नो आई शुड बी ब्लाइंड। तो सही को मैंने एक बार ऐसे किस्सा सुनाया था कि कॉमन रिस्पॉन्स था मेरी मदर। सो वंस व्हेन वी वेंट बैक टू पुणे एंड वी ऑल ऑफ अस वर सिटिंग फॉर लंच, आई रिमेंबर सई छोटी थी और नक्षत्र भी छोटी थी, शी सेड मम्मा तो कुकिंग करने लगी है, मम्मा तो बैठ के खाना बनाती है, पर मेरे माँ के मुंह की फिल्म्स कौन देख सकता है, एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। तो सई जी, अब आपकी बेटी हैं जो इतनी टैलेंटेड हैं और आप शूटिंग में व्यस्त रहती हैं, करियर के बीच मदर डॉटर टाइम जब आप बिताते हैं तो आप और नक्षत्रा क्या एक्टिविटीज करती हैं? पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर आप क्रिटिसाइज करें या उनको ना ज्यादा चढ़ाना नहीं चाहिए तो सर पे चढ़ जाता है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जितनी तारीफ आप बच्चों को करोगे उतना कॉन्फिडेंस उनको मिलता है कि नहीं मैं सही हूँ। तो जितना हो सके रोज अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करो, तो उसको कहो कि आप अच्छा कर रहे हो, और फिर जब गलती करे तो डांट भी दे, लेकिन तारीफ करना या अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और रही बात नक्षत्र के साथ हम बता रहे थे, नक्षत्र जो है हमारी जिंदगी का न्यूक्लियस, मतलब मैं, शक्ति, मेरी माँ, माँ मदर इन लॉ, हम सबकी जिंदगी जो है घूमती है एक सूरज का आस पास हमारी नक्षत्र, तो ये सबको उंगलियों पर रखना चाहते हैं। आप ही बताओ तो कि हम क्या करते हैं इसमें टाइम की जरूरत पड़ता है। Well, sometimes mama and auntie have small fight, but then small. सही, बचपन में कैसी थी, मतलब कैसी शैतानियां किया करती थी, जो किस्से आपको खास तौर पर याद हो और आप हमसे शेयर करना चाहें? I was assisting on my father's camera. एंड एक दिन दोपहर को हम लोग के ऊपर ऐसे बिल्ली के बच्चे रहते थे, सही ने सलोन खोला और एक लड़की के बाल ऐसे ऐसे काट दिए, उसकी माँ अगर काम करके पकड़ कर आई जैसे काम करता, उसकी माँ आके उसे लड़की के छोटे छोटे बाल काटे, क्या हुआ, बोले आपकी लड़की के बदौलत सलोन खोला, वो शौक ऐसे सही ने कुछ सही से देख रही है, तो मैंने सही उनके बच्चों की शैतानियां लेके जब कोई आता है उनके सामने तो उन्हें एक कई बार ये नहीं समझ में आता कि डील कैसे करें सामने वाले से, तो चलो आप जैसे तैसे डील कर लो कि बच्चों को क्या समझाया जाए, तो उस पॉइंट पे आपका क्या कहना है कि बच्चों को डील उस समय कैसे करना चाहिए, उन्हें सही और गलत, बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं। आई थिंक बहुत जो करेक्ट मम्मी ने बोला कि वेन यू टॉक टू योर चिल्ड्रन ना लाइक दे आर इक्वल, यू नो लाइक दे आर नॉट किड्स, दे आर समबडी हू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू से, फिर वो रिएक्ट वैसे ही करते हैं। अगर आप सही से उनको समझाओगे, देखो बेटा आप ही डिसाइड करो ये सही है ये गलत है, आपको क्या लगता है, वॉज योर बिहेवियर राइट और वॉट यू डू इज राइट, एंड बिलीव यू बी सरप्राइज सारे बच्चे समझते हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, और इनफैक्ट ये इंस्टिल करना बचपन से बहुत जरूरी है कि गलत है, आप उन्हीं से पूछो कि आपको गलत क्यों लग रहा है,
और एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, आप जो जैसे बिहेव करती हो बच्चे बिहेव करते, आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा दो, फोन आता टॉपिक बोल दो घर पे नहीं, वो बच्चा वही करेगा। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हरकतें, अगर आप यू एज अ पेरेंट हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ। So, नक्षत्रा आपके बारे में मम्मी और नानी ने इतनी सारी बातें कही हैं, सो आपको क्या लगता है लॉकडाउन में आपने मम्मी और नानी के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसमें आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा, आप बता सकते हो, या आप क्या करना पसंद करते हो लॉकडाउन में मम्मी और नानी के साथ सबसे ज्यादा? मदरहुड को लेकर आप दोनों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मेरे लिए चैलेंज तो सही है, आगे जाके सब करेगी, सो दैट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप वाज वेरी अननर्विंग फॉर मी। She gone with the money to take the cycle and all the thorns had entered in this way. This way, inches se bach gayi. So, usko sedate karke do bhi rows of thorns nikaal rahe hum log. So, as a mother, that used to be the only stressful period for me. So, nakshatra ki chit, again what my mother said it really. Bahut bachpan se aap bachcho ko set pe le jaate ho. Bachche maa ko kaam karte ho dekhte ho. Aur utna hi easily विदाउट टेकिंग इश्यू आउट ऑफ इट, यू नो कि देखो मेरी माँ फिल्म देखा रहे, मेरी माँ डायरेक्टर है और मेरी माँ घर पे, उतनी नॉर्मल वो सेट पे भी वही होती है, घर पे भी वही होती है, वो कोई अलग रोल्स नहीं होते। आई वांट टू टेल दिस टू ऑल द मदर्स कि देखिए क्या है, एवरी डे इज गोइंग टू बी अ न्यू चैलेंज। आप कुछ ऐसे डिसाइड करके नहीं जा सकते जब ये खत्म हो गया कल कुछ, हर बार रोज कुछ ना कुछ मजा आएगा। लुक एट इट लाइक एन एडवेंचर, बापरे ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे देखो कि एडवेंचर है, अब मुझे ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम या अब मुझे ये करना है। और ऐसे अगर आप करते जाओ ना तो बहुत आपको डरते रहते हैं बापरे अब मैं क्या करूँ या अब मैं कैसे करूँ, हो जाता है ऐसे। जब आई थिंक राधा से थिंकिंग अबाउट इट मैं कैसे करूँगी, ये सोचो कि मैं करूँगी, जैसे होगा जैसे बेस्ट हो पाएगा मैं करूँगी। तो देयर आर वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इट इज नॉट कि नहीं होता है, तब एग्जाम भी नहीं अभी बनी सभी हो गया। इट इज हाउ योर एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो आई डोंट थिंक सो आपको कोई चीज सैक्रिफाइस करने पड़ती। यू कैन बी अ मदर, यू कैन हैव अ करियर, यू कैन बी अ ग्रैंड मदर, यू कैन हैव अ करियर, ऐसे कुछ नहीं है। इनको नहीं करना है ना, उनके लिए हर चीज के सवाल होते हैं, मुझे ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इट इज द राइट प्रायोरिटी यस, बट अगर आप इतना वक्त बाहर जा रहे हैं शूटिंग करे कर, इट्स योर ड्यूटी की जो टाइम आप बच्चे के साथ हो कंप्लीटली बच्चे को देना, फिर उसमें आप फोन कॉल्स कर रहे हो, फ्रेंड्स को मैगजीन लेके बैठे हो, जस्ट फॉर द प्रेजेंस आपका बच्चे के साथ है, बी विद देम, बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो इट इज आई शुड ऑलवेज टेल एवरीबॉडी द क्वांटिटी ऑफ टाइम डजंट मैटर, द क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स। आप दो घंटे या तीन घंटे बच्चे के साथ अगर दिखाओगे बट कंप्लीटली उसको अटेंशन दोगे, दैट इज इनफ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मार है घर में, बट द मदर इज नॉट नोइंग ओनली कि बच्चा दूसरे रूम में क्या कर रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए इस इंटरव्यू से सई जी ने, शर्वानी जी ने, नक्षत्रा जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अगर आप इन लोगों से पर्सनली जुड़ना चाहें तो इनके सोशल मीडिया चैनल्स से जुड़ सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप हर जिंदगी के फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए थैंक यू और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।